Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. वैलरी जल्दी करो, हमें देर हो रही है। शुक्र को, बस अभी आती हूँ। ड्रैकी, जल्दी वापस आओ इधर। चलो दोस्त, अब तो तुम गए काम से। पकड़े गए ना, तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे डैड को ये बहुत पसंद आएगा। ऑलराइट, हम जा रहे हैं। अब चले भी जाओ। कोई गड़बड़ मत करना, ओके? ठीक है, परेशान मत हो, अब नहीं करेंगे। हर्रे, अब पूरा घर हमारा है। हाँ, हमारा है। चलो मजा करें, चलो आओ थोड़ा और फन करते हैं। लग गया कि ये हमने किया है तो वो हमें बहुत डांटेगी। परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा पहले की तरह। हाँ, मुझे तुम्हारे ठीक करने का मतलब बहुत अच्छे से पता है। मेरी एक मंथ की चीज बंद। नहीं, मैं पहले से बहुत बेहतर हो गया हूँ। देखो, तुम परेशान मत हो मेरे दोस्त, ये ठीक कर लूँगा मैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। विश करता हूँ वैलरी का स्केटबोर्ड ठीक हो जाए। लो, हो गया। देखो, बिल्कुल नए जैसा है। ये सब क्या है? तुमने ये क्या किया कैक्टस? ये सब कुछ मुझे सही करना पड़ेगा क्या? और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसको सही कैसे करना है। विश करो, विश करो, विश करो, विश। तुमने सब खराब कर दिया है। अब हम ये सब कुछ कैसे ठीक करेंगे? मैं पैदाइशी ऐसा ही हूँ। ये बहुत अरसा पहले की बात है। मशरिकी सरजमीन पर ये सब कुछ हुआ। वहाँ एक बागवान रहता था जो ख्वाहिशात का मालिक था और बस अपने मकसद में लगा रहता था हर वक्त। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेरी तरह के पौधे उगाने में गुजारी। ऐसे पौधे जो लोगों की विश पूरी करते थे। वो मुख्तलिफ किस्म के बीज इकट्ठे करता था और उनको बोतलों में सेव करके रख देता था और फिर वक्त आने पर फैसला करता था कि कौन से बीज को इस्तेमाल करना है। हर नए बीज में वो अपने मैजिकल ड्रॉप्स डालते थे जो आगे उगने वाले पौधे को मैजिकल पावर देता था। लेकिन बस वो आखिरी बीज जिसे पूरी तरह वो ड्रॉप्स नहीं मिल सके। वो बागवान अपने पौधों से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। फिर एक दिन सब बड़े हो गए और मैं ऐसा रह गया। हर रोज हम लोग ख्वाहिशात को पूरा करने की प्रैक्टिस किया करते थे, जो भी हमारे मालिक की ख्वाहिश हुआ करती थी। उन्होंने ख्वाहिश की एक क्यूट से पपी की, मजेदार से सेब की और बहुत सारे सोने की, कि वो सब उनका हो जाए।
एक दिन बागबान ने बहुत बड़े और बहुत ही शानदार घर की ख्वाहिश की, लेकिन मैं जब भी कोई ख्वाहिश करता वो जाया हो जाती, कभी अच्छा नहीं होता था। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब जाना ही होगा। मैं अपनी बेवकूफियों से अपने मालिक को और अपने भाइयों को और नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अगर मजीद रहता तो पता नहीं क्या कुछ कर बैठता। बस उस दिन मैंने फैसला कर लिया था, मैं उस वक्त तक वापस लौटकर नहीं आऊंगा जब तक मैं 1000 ख्वाहिशात पूरी ना कर लूं। बस यही एक रास्ता है जिससे मैं अपनी फैमिली की कुछ मदद कर सकता हूँ। अब ये कैसे होगा अगर कोई मुझसे ख्वाहिश ही नहीं करेगा? और क्यों करेगा, किसी की ख्वाहिश सही तरह पूरी भी तो नहीं करता मैं। कोई भी कोई ख्वाहिश करता है उसमें कुछ न कुछ अधूरा बन रह ही जाता है। Hey friends, मैं यहाँ बस थोड़ी देर के लिए बैठने आई हूँ। मेरी ग्रैंडमा मुझे स्कूल भेजना चाहती हैं, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी मिशन पूरा करना है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकती और हर हाल में जीतना। मैं हार गई फिर से। उफ, ये मिशन मैं क्यों पार नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें मिशन पार करना है? मिशन पार हो जाए। हाँ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं जीत गई। हाँ? तो अब आएगा इस गेम में मजा। हुर्रे! मैं जीत गई हूँ। हाँ, क्या बात है, आज पहली बार तुम्हारी विश सही काम कर गई। चलो और खेलते हैं। नहीं, पहले हम स्केटबोर्ड ठीक करेंगे। इसकी फिक्र मत करो, मैं ठीक कर दूंगी। ओह जबरदस्त! मेरे ख्याल से मुझे इस पूरी मशीन को ही अपग्रेड कर देना चाहिए। आहा! मेरा लैपटॉप! तुमने क्या किया है? इसे ठीक करो अभी के अभी! बहुत भाग कर रहे हो, मुझे मेरा लैपटॉप वापस चाहिए। सुना नहीं तुमने, इसे ठीक करो। शुक्रिया ड्राकी, मेरे स्वीट हेल्पर। सवाल नंबर 6, रेड डेक से। बहुत आसान है। चलो अब बता भी दो वैलेरी। ओके, तो बताओ नेवरलैंड का कैपिटल क्या है? हाँ, मैं बताऊंगी, मुझे मालूम है इसका जवाब। मुझे क्यों याद नहीं आ रहा, मैं इसका जवाब जानती हूँ। बनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ओल्ड वैली। वाह, बहुत अच्छी बनी। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो बनी ये गेम जरूर जीत जाएगा। हे, वो मेरी टीम है। तैयार हो जाओ फायरी मैन। मुझे लगा हमने अपना नाम अनब्रेकेबल रखा था। ये क्या कह रही है, ऐसा तो कोई नाम नहीं होता। हाँ ठीक कहा। तो अगला सवाल। अरे नो नो ड्राकी, अभी नहीं। ये सवाल जरा मुश्किल है, तो बताओ सैंड किंगडम के क्रेस्ट पर क्या बना हुआ है? वीजल। एक कैमल। कैक्टस। एक फील्ड माउस। हाँ, एक गोल्डन जर्बल। बहुत अच्छे बनी, तुम और बाकी गर्ल्स और अच्छा कर सकते हो। वैसे सवाल का जवाब मुझे आता था पर मैं भूल गया। और अब आखिरी सवाल। प्लीज कोई आसान सवाल हो। ओह, ट्रिकी कलर्स का किंगडम सजा हुआ है फूल से, उसका नाम क्या है? मुझे पता है, एक गुलाब से, एक बटरकप, एक लिली, एक ट्यूलिप, एक डेजी। इनमें से कोई एक जवाब तो जरूर होगा। हेलेना, ये एक मैजिकल वर्ल्ड का क्विज है, कोई जवाब देने का खेल नहीं। काश हम पिक्चरी खेल रहे होते, उसमें कम से कम मजा तो आता। कोई भी उस बेकार फूल का नाम नहीं सोच सकता जो उस कैसल पर बना हुआ है। बिल्कुल सही, वाइन वीट। डाउट, इसमें बनी को कोई भी नहीं हरा सकता क्योंकि ये सारा मैजिकल वर्ल्ड घूम चुका है। वैसे मैं अभी भी तजस्सुस में हूँ, इसने अभी से इतना बड़ा मैजिकल वर्ल्ड कैसे देख लिया। चु, 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 चु,
क्या जरा जोर से बोलोगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ, ये एक पुरानी बात है, जब मैं बनी को बस में ही भूल गई थी। जब बनी को नहीं पता था कि उसकी फेरीटेल दुनिया का सफर शुरू होने वाला है, बनी बहुत ज्यादा अपसेट था। उसे लग रहा था कि अब सारी जिंदगी उसे अकेले ही गुजारनी पड़ेगी, अपने मालिक के बगैर। लेकिन व्हाइट वन को ये बहुत बुरा लगा। उसने अपने जादुई पाउडर से बनी को एक नई पावर दी और यहाँ से शुरू हुआ बनी के मैजिकल वर्ल्ड का सफर। बनी की नई दोस्त मल्टी यूनिवर्स पिज़्ज़ा में काम करती थी। उनका पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था। बनी उसका मैजिकल वर्ल्ड देखकर हैरान हो गया था और उसके बाद बनी में बहुत चेंज आ गया और वो उस दुनिया और वहाँ रहने वाले लोगों के साथ बहुत तेजी से घुल मिल गया। और देखते ही देखते ऐसा लगने लगा जैसे बनी हमेशा से इनके साथ ही था। बनी अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय करने लगा। घूमता था, अपनी पसंद की चीजें खाता था और यही नहीं, वहाँ उसने अपने नए दोस्त भी बनाए। पर ये सब कुछ एक लम्हे में बदल गया जब एक तेज हवा चली और एक बड़े से आउल ने बनी के ऊपर अटैक किया। उसने बनी को पकड़ा और ले गया। उसे जो आखिरी चीज याद है वो है उसकी दोस्त व्हाइट वन, जिसे वो इन सितारों को देखकर आज भी याद करता है। बेचारा, बेचारा बनी। तो तुमने उसके बाद उसे कभी नहीं देखा क्या? ये वाकई एक दुख भरी कहानी थी। मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम उससे एक ना एक दिन जरूर मिलोगे। और क्या पता तुम उससे बहुत जल्द मिलो। मैरी क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं कुछ चेक करना चाहती हूँ। बनी, ये तो वही है तुम्हारी दोस्त व्हाइट वन। जब मैं बहुत खुश होती हूँ।